बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एडवांस अरबिक ग्रामर कोर्स आज हमारा डे टू है। कल हमने तफसील के साथ पढ़ा था अल्फाबेट्स को, हरूफ तहज्जी को। उसके बाद हमने जो पहला टॉपिक था जेंडर में कुछ नई इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो थी जेंडर के मतलब हमें वो हासिल हुई थी। आज इंशाल्लाह ताला हम जो इसम की सेकेंड प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हमें तफसील से पता होना चाहिए, नंबर, और तीसरी प्रॉपर्टी वसत, इसके मुतालिक हम इंशाल्लाह ताला तफसील के साथ पढ़ेंगे। ओके, बिफोर वी स्टार्ट ऑफ क्विक रीकैप, एनीवन जिसको मालूम हो कि अदद के लिहाज से इसम को कितनी कैटेगरीज में तकसीम किया जा सकता है? तीन। ओके, कौन कौन सी? वाहिद, तस्निया, जमा। वेरी वेल डन, वाहिद, तस्निया, जमा। ओके, लेट्स हैव अ क्विक रीकैप। वाहिद किसको कहते हैं? वाहिद कहते हैं जी ऐसा इसम जो किसी एक शख्स या एक चीज को जाहिर करे, किसी एक नंबर को जाहिर करे, वो वाहिद कहलाता है। मुशरिकुन, मुशरिकातुन, मुमिनुन, मुमिनातुन, मुस्लिमुन, मुस्लिमातुन, वगैरह वगैरह। अच्छा, हमने अगर आपको याद हो तो बेसिक ग्रामर में पढ़ी थी कि वाहिद की निशानी क्या थी। अगर हमने वाहिद को आइडेंटिफाई करना हो तो क्या निशानी होती है वाहिद की? तन्मीन होती है। तन्मीन नकिरा की भी निशानी होती है और वाहिद इसम की भी निशानी होती है। Then we switch over to तस्निया। तस्निया कहते हैं दो को, और हमने ये पढ़ा था कि सिर्फ अरबी जुबान है जिसके अंदर दो का अदद पाया जाता है, बाकी किसी और जुबान में दो का अदद नहीं पाया जाता। और ये ऐसा इसम होता है जो दो से दो दो अशखास या चीजों को जाहिर करता है। ये दो से ज्यादा मिसप्रिंट है, सिर्फ दो अशख़ास चीजों को जाहिर करता है, जैसे मुशरिकाताने, मुमिनाने, मुमिनाताने, एटसेट्रा। और जमा होता है ऐसा इसम जो दो से ज्यादा अशख़ास चीजों को जाहिर करता है, मुमिनूना, मुस्लिमूना, मुशरिकूना, मुमिनातिन, सालिहातिन, काफिरातिन, एटसेट्रा। ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन थी, वाहिद, तस्निया, जमा। उसके बाद हमने वाहिद के मुतालिक पढ़ा था कि वाहिद की निशानी तन्वीन होती है, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमीन अगर ये मुजक्कर हो, मुस्लिमातुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमातिन अगर ये मुअन्नस हो। और एक चीज हमने उस वक्त पढ़ी थी, एक इस्तिस्ना हमने पढ़ा था, एक एक्सेप्शन पढ़ी थी कि जो ब्रोकन प्लूरल्स होते हैं यानी जमा मुक्तसर होते हैं उनके आखिर में भी तन्वीन आ जाती है। तो ये एक डायलेमा होता है कि आपको ब्रोकन प्लूरल को आइडेंटिफाई करने के लिए डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ता है। पेयर नाउंस के मुताबिक हमने पढ़ा था कि कुरान मजीद में पेयर नाउंस इसलिए इस्तेमाल हुए हैं या अरबी जुबान में पेयर नाउंस इसलिए हैं क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी चीजें यूनिवर्स के अंदर क्रिएट की हैं ये जोड़ों की शक्ल में क्रिएट की हैं। और ये कुरान मजीद में मल्टीपल आयात में इनका जिक्र है कि चीजों को जोड़ों की शक्ल में बनाया गया है। ये बहुत खूबसूरत आयत है, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी खलक़ल अज़्वाजा कुल्लहा, एग्जॉल्टेड इज ही हु क्रिएटेड ऑल पेयर्स कुल्लहा। इंशाल्लाह ताला इस कोर्स में हम कुल्ला को बहुत तफसील के साथ पढ़ेंगे। कुल्लहा जब इस कंस्ट्रक्शन के साथ आता है तो इट इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग, तो जो कुछ भी जमीन से निकलता है और जो तुम्हारी जानों के अंदर होता है वह तमाम का तमाम जोड़ों के सूरत में पैदा किया। खालक अज़वाज कुल लहा, इस वजह से तस्निया का अदद जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसकी हमने निशानी पढ़ी थी आने ऐने साउंड अगर किसी भी इसम के आखिर में आए तो वो हमारा तस्निया होता है। और इसकी हमने एक एक्सेप्शन पढ़ी थी कि अगर कोई लफ्ज या और ता से शुरू हो रहा होता है या ता से शुरू हो रहा होता है तो फिर हम उसको मजीद लफ्ज को जांचते हैं, वी कैन नॉट से इट के राइट अवे कि वो तस्निया इसम है। जैसे हमने एक्सेप्शंस पढ़ी थी यस जुदाने, ताबुदाने, तो ये या और ता से शुरू हो रहे हैं, ऑल दो इनके आखिर में आने की साउंड आ रही है बट इवन देन चूंकि ये अल्फाबेट्स या और ता से शुरू हो रहे हैं इस वजह से वी आर नॉट श्योर कि ये इसम है या नहीं है। ज्यादातर चांस ये होता है कि ये इसम नहीं होते।
ओके जी, एक चीज नोट कर लीजिए जो कि आपके लिए नई चीज होगी इस कोर्स के लिहाज से, एडवांस ग्रामर के लिहाज से। इससे पहले जब हम तस्निया इसम को आइडेंटिफाई करते तो हम कहते थे आने या ऐने की साउंड आती है, आने या ऐने की साउंड आती है। अभी नोट कर लीजिए, बेसिकली जब भी एडवांस ग्रामर की आप बात करेंगे तो देन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट साउंड। बेसिकली जो हमारे पास ये एडिशनल अलिफ आता है मुस्लिमा, ये जो मा का में अलिफ आता है नून से पहले, ये अलिफ जो है ये हमारा बेसिकली निशानी है किसी भी इसम की तस्निया होने की। तो नून मा कबल अलिफ हो तो वो हमारा तस्निया की निशानी है। इसी तरीके से अगर हम नसब और जर में चले जाएं तो पहले हम उसके ऐ नई साउंड पढ़ते थे। अभी हमें मालूम है कि नून से पहले या है और या जो है वो साकिन है, यानी नून से मा कबल, मा कबल का मतलब होता है उससे पहले, नून से मा कबल या साकिना जो है वो हमारा तस्निया की निशानी है। सो फ्रॉम हेयर ऑन वी वुड नॉट से, लेमैन के तौर पे तो हम कह सकते हैं कि आने ऐने जो है वो तस्निया की निशानी है, लेकिन वी शुड नो एग्जैक्टली कि बेसिकली आने की निशानी जो है वो नून मा कबल अलिफ है और या साकिना मा कबल या नून मा कबल या साकिना है। अच्छा, ये हमें कैसे पता चलता है कि ये असल में ये निशानियां हैं? जब ये नून ड्रॉप हो जाता है, ओके, ये नून जो ड्रॉप होता है ये मुस्लिमान है या मुस्लिमैन है, जैसे नून ड्रॉप होता है तो बेसिकली इसम का भारीपन जो है वो दूर हो जाता है, एराब का भारीपन दूर होके एराब हल्का हो जाता है। तो मुस्लिमान है बिकम्स मुस्लिमा और मुस्लिमैन है बिकम मुस्लिमई। अब ये नून ड्रॉप हो गया, इसको जो हम ये जो इसका इराब या ये नून इसम जो हल्का हो जाता है, इस हल्का होने की वजह से हमारा जो इलामत है तस्निया की, असल इलामत जो है वो खुल के सामने आ जाती है। एंड नाउ वी नो इट के वो एडिशनल अलिफ जो है वो है और ये साकिना जो है वो तस्निया की निशानी है। अलिफ जो है वो हमारी हालत रफा की निशानी होती है और ये साकिना जो है ये हमारी हालत नसब और जर की निशानी होती है। ओके, इसकी मशहूर एग्जांपल हमने बेसिक ग्रामर में जब पढ़ रहे थे तो सूरतुल लहब के अंदर हमने देखी थी, औजु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान तब्बत यदा अबी लहब, तो वो यदा ने था बेसिकली, यदा ने किसी वजह से वो नून ड्रॉप हो गया था तो सिर्फ यदा रह गया था। और इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स कुरान मजीद के अंदर बिखरी हुई पड़ी है जहाँ पे हमारा इसम का इराब हल्का होता है और हल्का होने की वजह से उसका नून ड्रॉप हो जाता है तस्निया या जमा में। और जैसे एक बड़ी मशहूर एग्जाम्पल मुलाकू रब्बीहिम, ये मुलाकू न रब्बीहिम था, प्लूरल का सीगा था लेकिन नून ड्रॉप हो गया तो मुलाकू रब्बीहिम हो गया। बनी इसराइला इज अनदर एग्जाम्पल। बनी इसराइला बहुत मशहूर एग्जाम्पल। अब ये इतना वो आम इस्तेमाल हो गया है कि हम इसको वी टेक इट एज अ नाम के तौर पे हम इसको जानते हैं। जिनको अरबी जुबान की वाकफियत है ओनली दे कैन आइडेंटिफाई कि ये बेसिकली मुरक्कब इजाफी है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि बनी इसराइल नाम ही बनी इसराइल है। ओके, कुरान की एग्जांपल्स हमने देखी थी जी पेयर्स की, आने ऐने की साउंड के साथ। ये मैं आपको एक दफा फिर शेयर भी कर दूंगा ताकि आपका रिफ्रेश हो जाए। और फिर हमने लास्ट देखा था प्लूरल्स, प्लूरल्स की हमने दो बड़ी एग्जाम पढ़ी थी इससे पहले, जमा सालिम और जमा मुकसर। जमा सालिम हमने पढ़ा था जिस तरह उर्दू के अंदर होता है कि हरूफ, असली हरूफ जो होते हैं मुफरद के वो कायम रहते हैं और आखिर में कुछ हरूफ का इजाफा हो जाता है जिससे वो जमा बन जाती है। इंग्लिश में एक एग्जाम्पल बुक बुक्स, मैंगो मैंगोज, किताब किताबें बन जाती है। लेकिन मुकसर क्या होता है कि जो वाहिद इसम होता है वो टूट जाता है या उसकी शक्ल बदल जाती है और इसका कोई पैट असूल नहीं है। इंग्लिश में भी इसकी एग्जाम्पल होती है नाइफ से नाइव्स प्लूरल बन जाती है, टूथ से टीथ बन जाती है। अरबी जुबान में भी सबसे मुश्किल टॉपिक ये जमा मुकसर ही का होता है कि जमा मुकसर को कोई पैट कायदा नहीं है कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। लेकिन हमने बेसिक ग्रामर में कुछ औजान सीखे थे कि अगर वो औजान हमें याद हो जाए तो वो औजान के उन औजान पे जो भी अल्फाज आएंगे वो हम उनको जमा मुकसर कंसिडर करेंगे। सालिम की मजीद हमने दो अकसाम सीखी थी, एक मुजक्कर सालिम थी और एक मुअन्नस सालिम थी। ओके, एनीवन
ओके सिस्टर बिल्कीस अगर हमारे साथ हैं, या सिस्टर में वकार, मुजक्कर की हमने क्या निशानी सीखी थी, मुजक्कर सालिम की या मोहनस सालिम की? सिस्टर निकत सर तनवीन नहीं, जमा मुजक्कर सालिम ऊना और ईना बेसिकली हमारी साउंड थी मुजक्कर के लिए, और मोहनस के लिए क्या थी ब्रदर इम्तियाज जी? आतुन आतिन, वेरी वेल डन, आतुन आतिन ये हमारी साउंड थी मोहनस के लिए। और मुकस्सिर को हमने पढ़ा था कि मुकस्सिर को हमने फिर दो मजीद कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। एक हमने कहा था आकिल होती है, यानी जो अगर जिनके अंदर अकल होती है, और वो तीन हमने आइडेंटिफाई किया था कि इंसान जिन और फरिश्ते आकिल मखलूकात हैं, अदर देन ये तीन बाकी तमाम मखलूकात हैं वो गैर आकिल की कैटेगरी में जाती हैं। ओके जी, जमा सालिम की मजीद दो अकसाम मुज़क्कर सालिम और मोहनस सालिम होगी। मुज़क्कर सालिम के लिए साउंड्स ऊना ईना, और मोहनस के लिए आतुन आतिन की साउंड है, ऊना रफा की साउंड है, ईना जो है वो नसब और जर की साउंड है, आतुन रफा की साउंड है, आतिन नसब और जर की साउंड है। अगेन एक्सेप्शन जो है वो लफ्ज जो या और ता से शुरू हो रहे होते हैं, ऑल दो उसके अंदर ऊना या ईना की साउंड आ सकती है, लेकिन वी वुड नॉट कंसिडर देम एज प्लूरल्स, या जमा सालिम उनको कंसिडर नहीं करेंगे। वी वुड हैव अ डीप लुक ऑन दोज वर्ड्स ताकि हमें एक बिल्कुल 100% श्योर हो जाए कि वो लफ्ज की असल ओरिजिन क्या है। कुरान की एप्लीकेशंस में हमने मुख्तलिफ कुरान मजीद से मिसालें देखी थी जमा सालिम की, मुजक्कर सालिम की, लाइकवाइज जमा मोहनस सालिम की हमने मुख्तलिफ एग्जाम्पल देखी थी जिसमें आतुन और आतिन आता। तो ओके, इट्स अ क्वेश्चन फॉर एवरीवन, आतुन आतिन की हमने साउंड देखी थी, लेकिन इस एग्जाम्पल में सूरतुल एहजाब की आयत है, इसके अंदर आतिन की साउंड तो आई नहीं रही। अल खाशियाती, अल मुतसद्दिकाती, अल हाफिजाती, वाय सर अल की वजह से तनवीन को लगा। वेरी वेल डन, सिंपल आंसर ये है क्योंकि अलिफ लाम तनवीन को बर्दाश्त नहीं करता, चूंकि अलिफ लाम आ गया है तो वो तनवीन उड़ गई है, तो आतिन की साउंड आती बन गई है। तो इसको अगर हम यूं चेंज कर लें कि बजाय ये साउंड कहने के हम कहने अलिफ और लंबी ता। ओके, अलिफ और लंबी ता ये भी हम कह सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा जी, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने तस्निया का पढ़ा था कि तस्निया में हालत रफा की निशानी नून मा कबल अलिफ होती है, और नसब और जर में नून मा कबल या साकिना जो है वो तस्निया की निशानी होती है। इसी तरीके से अब आप गौर करके अब आप मुझे बताएंगे हालत रफा में क्या निशानी होगी जमा मुजक्कर सालिम की? यानी वाओ मद्दा। ओके, नून मा कबल वाओ साकिना, ठीक है, नून मा कबल वाओ साकिना, ये आपकी निशानी है जमा मुजक्कर सालिम की। और नून आपका ड्रॉप भी हो सकता है क्योंकि नून जो है वो एडिशनल हर्फ है, वो बेसिकली इस लफ्ज का हिस्सा नहीं है। मुस्लिमूना का नून जो है ये एडिशनल हर्फ आया हुआ है, ये इसका हिस्सा नहीं है। असल में तस्निया को शो कर रहा है ये वाओ साकिना, सॉरी प्लूरल को, जमा को ये वाओ साकिना शो कर रहा है, ठीक है। नून उसकी सपोर्ट के लिए आया है, इस वजह से नून ड्रॉप भी हो जाता है तो इस जमा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ओके, नसब और जर में अगर मैं कहूं सिस्टर निगत, तो हाउ वुड बी कॉल इट, इसकी क्या निशानी होगी? इसकी आईना, आनी और आईनी। नहीं, जैसे अभी मैंने इसमें से ईना, ओके, और ये इसमें भी जो नून है वो इजाफी है, तो ओके जाय साकिन से पहले जेर आ जाएगी। ओके, वेरी वेल डन, तो नून मा कबल याए साकिना मा कबल कसरा, जबकि तस्निया में मा कबल याए साकिना से मा कबल हमारे पास फतह थी, ऐने की साउंड थी, तो वहां पे याए साकिना से पहले फतह थी, जबकि प्लूरल के अंदर याए साकिना से पहले हमारी जेर आती है। और ये निशानी होती है कि जी अगर आपने जेन में रखना हो कि
हमें कैसे पता चलेगा, तो तस्निया से जमा की तरफ आप जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, जैसे अगर 1 2 3 ऊपर से नीचे लिखना है तो आपको मालूम होगा कि 2 से आप नीचे की तरफ जाना है, तो फतह जो है वो आपकी कसरा में तब्दील हो जाती है। ये वैसे हिंट्स हैं, शॉर्टकट्स हैं याद करने के लिए। तो नून मा कबल या साकिना, मा कबल कसरा जो है वो हमारी प्लूरल की निशानी है, जमा मुज़क्कर सालिम की। ओके अच्छा, जिस तरह भी ब्रदर जाहिद ने कहा मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन, अब इसके अंदर हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गया है। पहले ये बताइए कि इसमें अगर हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो हाउ वुड बी आइडेंटिफाई इसकी, हम पहले तो आतुन कहते थे, आतुन या आतिन कहते थे, अब हम अगर एडवांस ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो इसकी क्या निशानी होगी? होगी गुड, मतलब मुतहर्रिक होगी और उससे पहले अलिफ हो। ओके दिस इज योर पॉइंट, ता जो है वो मुतहर्रिक होगी, ठीक है, और मुतहर्रिक भी सिर्फ दो सूरतें हो सकती है। मुतहर्रिक हमने तीन किस्म के पढ़े थे, कल हमने पढ़े थे मुतहर्रिक का रूप तीन किस्म के, वो कौन कौन से होते हैं सिस्टर बिल्कीस? ओके ब्रदर इम्तियाज, कल हमने मुतहर्रिक रूप तीन किस्म के पढ़े थे, जी नहीं मुझे नहीं याद आ रहा। ओके फथा कसरा और जमा, मफ्तू मकसूर, ठीक है, और मजमूम, जिन हरूफ के ऊपर फतह होती है उसको मफ्तू कहते हैं, जिनके ऊपर कसरा होती है उसको मकसूर कहते हैं। अच्छा अच्छा, यानी बेसिकली हरकात के हिसाब से होती है। ओके अब ये देखिए, बेसिकली ता जो है, जो प्लूरल की ता है, इसके ऊपर दो ही हरकात है, या इसके ऊपर जमा आती है या कसरा आती है, इसके ऊपर फतह नहीं आ सकती, ठीक है जी जी। तो ये हमारे पास मुतहताए मुतहरिका है, यानी वो ता जिसके ऊपर हरकत है, और हरकत भी सिर्फ दो ही किस्म की हो सकती है, इधर इट इट कैन हैव अ जमा और इट कैन हैव अ कसरा, और मा कबल इसके अलिफ है। तो ये निशानी बेसिकली आपकी बन जाती है, अगर रफा होगा तो ताए मुतहरिका विद जमा होगा, मा कबल अलिफ होगा, अगर नसब और जर होगा तो ताए मुतहरिका विद कसरा मा कबल अलिफ होगा, तो ये हमारी नसब और जर की निशानी बन जाएगी। और ये हरकत मुनव्वन हो भी सकती है और नहीं हो सकती, बिल्कुल ये इधर भी है, क्यों? क्योंकि जब आप इसको लाइट करेंगे तो आपने लाइट करते वक्त अपने इसम को हल्का करते वक्त हमने पढ़ा था कि आपने बेसिकली जो नून की साउंड होती है उसको गिराना होता है। अब नून की साउंड दो तरीके से लफ्ज के अंदर आती है, या फिजिकल नून की सूरत में आएगी, जैसे मुस्लिमूना मुस्लिमीना, ये फिजिकल नून हमारा आ गया है, या फिर तन्वीन की सूरत में वो साउंड आती है मुस्लिमातुन, ये नून की साउंड आ रही है मुस्लिमातिन। तो जब आप इसको लाइट करती हैं तो ये आपकी हरकत जो है ये ड्रॉप हो जाती है, तो ये मुस्लिमातु मुस्लिमाती बन गया। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ताए मुतहर्रिका होगी विद जम्मा या कसरा। अब ये मुनवन भी हो सकती है, यानी तनवीन वाली भी हो सकती है, और सिंगल हरकत वाली भी हो सकती है, दोनों सूरतों में हो सकती है। ओके जी, ये तो वो सारा कुछ था जो हमने पढ़ा था बेसिक में। ओके एक चीज रह गई, जमा मुकस्सिर। जमा मुकस्सिर में हमने पढ़ा था जी आकिल कौन होती है, आकिल मखलूकात, आकिल मखलूकात से मुराद होती है अक्ल व शऊर रखने वाले इंसान, फरिश्ते और जन्नात इस कैटेगरी में शामिल है, जबकि गैर आकिल में बाकी तमाम मखलूकात गैर आकिल में शामिल होती है। और फिर इसका जमा मुकस्सिर बनाने का तरीका हमने पढ़ा था कि जमा मुकसर आकिल की डिफरेंट, देखिए अब ये वजन ही बिल्कुल डिफरेंट, अर रसूलु से अर रसूलु, अन नबीयु से अल अंबिया, अब बिल्कुल ये लफ्ज डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस हो रही है, अल फकीर से फुकरा, अब्दुन से इबाद, अन नफसु से अनफुस, अल वलदु से औलाद, ये आकिल की एग्जाम्पल्स और गैर आकिल की एग्जाम्पल, मसाजिद अनहारुन अबवाबुन कुलूबुन आयुन अलसिनतुन, डिफरेंट औजान है। और हमने बेसिक ग्रामर में कुछ औजान याद कर लिए थे कि अगर ये औजान आएंगे और इन औजान से मिलते जुलते अल्फाज आएंगे तो गालिब इम्कान होगा कि ये जमा मुकस्सर हैं। ये तकरीबन 12 या 15 औजान थे, अफ आलुन फी आलुन फुलुन फुलुन फु आलुन फ़ालतुन अफ इलातुन फुआला अफ इला फवाइल फ़ाइल मफाइल फ़ाला। फाला हमने कल भी पढ़ा था जब हम जेंडर का सीगा पढ़ रहे थे। ओके
ये तो अपने हमने पढ़ लिया था सिंपल तरीके से जी, वाहे तस्निया जमा क्या होता है। अब एक चीज नोट कर लीजिए, जो तस्निया वाहिद का तो हम सिंपल है कि वाहिद एक ही को कहते हैं, जो तस्निया होता है अरबी जुबान में, तस्निया की भी कई सूरतें हो सकती हैं, और जिसमें से ज्यादा जो ग्रामर की किताबों में आपको मिलेगा कि तस्निया की तीन सूरतें होती हैं। अच्छा, यही हालत जमा की भी होती है। वो तीन सूरतें क्या होती हैं, मैं मोटा सा बताता हूँ, आगे जाके डिटेल में हम देखेंगे। एक को हम कहते हैं कि हकीकी तस्निया है, एक को हम कहते हैं सुअरी, स्वाद के साथ सुअरी तस्निया है, ठीक है, और एक को हम कहते हैं मानवी तस्निया है। यही तीन कैटेगरीज जमा की भी होती है। जमा की मजीद कैटेगरीज हो जाती है, हम एक जमा को कहते हैं कि जमा लव्ज के एतबार से है, यह लव्ज क्या होते हैं कि वो लव्ज कंस्ट्रक्ट कैसे हो रहा है, उसमें फिर दो कैटेगरीज सालिम और मुकसर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सालिम मुजक्कर, मुजक्कर सालिम और मुअन्नस सालिम, और उसकी एग्जांपल भी ऊना और मुस्लिमात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मुकसर जो है वो कलाम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आता है। ज्यादातर जो जमा मुकसर होता है, नोट कर लीजिए, ये मानी के एतबार से मजीद दो कैटेगरीज में तकसीम हो जाता है। कुछ ग्रामेरियंस इसको कहते हैं कि ये जमा की टाइप्स को आप लव्स और मानी के एतबार से डिवाइड कर सकते हैं, कुछ कहते हैं नहीं, मुकसर की ही बेसिकली दो मजीद कैटेगरीज बन जाती हैं, जिसको जमा किल्लत और जमा कसरत कहते हैं। इख्तलाफ कहाँ पे आता है कि जो जमा सालिम होता है इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज जमा किल्लत एंड जमा कसरत बोथ। ये कैसे होता है ये अभी हम थोड़ा सा आगे जाके हम देखते हैं। तो फिल वक्त हम इसको जमा को तकसीम करेंगे लफ्ज के एतबार से और मानी के एतबार से। लफ्ज के एतबार से हम पढ़ चुके हैं, मानी के एतबार से जमा होती है किल्लत और कसरत। किल्लत कहते हैं कम को, कसरत कहते हैं ज्यादती को, और ये बहुत ही एक अरबी जुबान की खूबसूरती है। बाकी तमाम जुबानों में दो या दो से ज्यादा अशिया को प्लूरल्स बोला जाता है, जमा बोला जाता है। अब उसकी कोई हद, कोई मियाद मुकर्रर नहीं है, ठीक है, यानी दो को भी जमा कहा जाएगा, दो अरब को भी जमा कहा जाएगा, दो खरब को भी जमा कहा जाएगा। अरबी जुबान की खूबसूरती यह है कि अरबी जुबान ने जमा के अंदर मजीद कैटेगरीज बना दी है, वो दो बड़ी कैटेगरीज जमा किल्लत और जमा कसरत की है। ये कुरान मजीद की कुरान फहमी के अंदर ये बड़ा रोल प्ले करती है कि कुरान मजीद में जो जमा का सीगा इस्तेमाल होता है, क्या वो जमा किल्लत का सीगा इस्तेमाल हुआ है या जमा कसरत का सीगा इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, यहाँ पे भी एक चीज आपने नोट कर लेनी है कि कुरान मजीद के अंदर भी कभी किल्लत का सीगा कसरत के मानों में भी आता है और कसरत का सीगा किल्लत के मानों में भी आ जाता है, लेकिन उसकी खास स्पेसिफिक वजह होती है जो कि बलागा कोर्स के अंदर हम जाके पढ़ेंगे। एनी हाउ, जहां पे कुरान मजीद स्पेसिफिकली किल्लत का सीगा इस्तेमाल करता है जमा के लिए, वहां पे वो उन आयात के कॉन्टेक्स से हिकमत खुल के सामने आ जाती है। लाइकवाइज जहां पे कसरत के सीगे जमा के लिए इस्तेमाल होते हैं, वहां पे भी चीज आ जाती है। मिसाल के तौर पे आप देखिएगा, जैसे सूरतुल बकरा के अंदर हमने एग्जांपल पढ़ी थी सदकात की, के एक सदके की मिसाल ऐसी होती है कि कोई बंदा बाली लगाता है तो बाली से फिर 70 दाने निकलते हैं, फिर उससे मजीद दाने निकलते हैं, और ये बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं, और उसका असल इल्म जो है ना, मतलब उसका जो एक्चुअल काउंट है किसी को नहीं पता। वो वहां पे बेसिकली जमाए कसरत इस्तेमाल हुई है। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अगर आप किस्सा पढ़ते हैं तो वहां पे भी गंदुम के दानों का जिक्र है, वहां पे गंदुम के दानों का जो जिक्र है वो जमा किल्लत के औजान के अंदर वो जिक्र आया है। तो एक ही चीज है, एक ही क्या कहते हैं उसको, फूड पार्टिकल का नाम आया है, लेकिन कहीं पे उसको जमा किल्लत लाया गया और कहीं पे उसको जमा कसरत का सेगा लाया गया है। ये आपको एक छोटी सी मिसाल आपको सिर्फ इसलिए दे रहा था कि आपको अंदाजा हो कि जमा का जो सीगा जब लाया जाता है तो इसमें हमें बड़ा जो है वो गौर करने की जरूरत होती है कि ये जमा का सीगा किल्लत वाला है कसरत वाला है, और फिर वहां पे लाने का मकसद क्या है। अब होती क्या जमा किल्लत होती क्या, इसके औजान क्या होते हैं। जमा किल्लत नोट कर लीजिए, बड़े इंटरेस्टिंग चीज है। जमा किल्लत दो तीन से लेके दस तक का जो फिगर होता है, तीन से लेके दस तक ये जमा किल्लत होती है, तीन से लेके दस तक, अप टू थ्री टू टेन। इसके चार औजान होते हैं, कुछ इसके छह औजान कहते हैं, लेकिन इत्तफाक जो है वो चार औजान के ऊपर है। एक होती है अफ उलुन, अक लुबुन के वजन पे, अफ आलुन,
अमालुन अक्वालुन अफ़इलतुन अतइमतुन फ़इलतुन गिलमतुन। ये चार औजान है, ये आपको औजान आप याद कर लीजिए, अफ़उलुन अफ़आलुन अफ़इलतुन फ़इलतुन। ये चार औजान अगर आपके जहन में रहेंगे, कुरान मजीद आप जब तिलावत कर रहे होते हैं, आपके सामने कोई लफ्ज इन औजान के ऊपर आता है और कॉन्टेक्स्ट से भी आपको पता चलता है कि ये जमा मुकसर ही होगा, इसम होगा जमा, तो ये लाजमन जमा मुकसर किल्लत होगा। अच्छा, ये एक और चीज नोट कर लीजिए, जो जमा सालिम के दो सीगे हैं यानी ऊना ईना या आतुन आतिन, ये भी जमा किल्लत के सीगे कहलाते हैं प्रोवाइडेड के उसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल ना हो। यानी अगर आप कुरान मजीद में पढ़ते हैं मुस्लिमूना, सिंपल मुस्लिमूना या काफिरीना, तो ये जमा किल्लत के सीगों में शामिल हो जाते हैं। और अगर आप अलिफ लाम पढ़ेंगे तो वो फिर जमा कसरत का सीगा आ जाता है, कुल या अय्युहल अल काफिरूना, तो वो आपका जमा कसरत का आ गया क्योंकि काफिरूना के साथ अलिफ लाम दाखिल हो गया। अलिफ लाम जो है ऑल दो ये जमा कसरत बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अलिफ लाम की बहुत सारी एग्जांपल्स, बहुत सारी अकसाम है, कुछ उसमें से अकसाम को आज हम टच करेंगे, बाकी अकसाम को इंशाल्लाह ताला हम एक अलग लेक्चर में पढ़ेंगे अलिफ लाम की जो किस्में होती हैं। तो लेकिन जमा के लिहाज से अगर आपके पास इसमें फाइल इस्मुल फाइल इस्मुल मफूल ये इनकी जमा मुजक्कर सालिम या मुअन्नस सालिम हो और उससे पहले वो बगैर अलिफ लाम के हो तो वो आपका जमा किल्लत की कैटेगरी में आ जाता है। इस्मुल फाइल क्या होता है, फाइलुन के वजन पे अगर सलासी मुजरत है और अगर सलासी मजीद भी है तो उसके डिफरेंट वजन होते हैं, जैसे मुफ़इलुन है, मुअल्लिमुन है, मुतअल्लिमुन है, मुजाहिदुन है, मुनकालिबुन है, मुनकासिरुन है, मुस्तगफिरुन है, उसके जो डिफरेंट औजान है जो कि मीम से शुरू होते हैं, वो इस्मुल फाइल जो है वो बेसिकली सिफा होती है, वो अलिफ लाम के बगैर आए तो वो हमारी जमा किल्लत हो जाती है। तो अफ़उलुन अफ़आलुन अफ़इलतुन फ़इलतुन, ये आपकी जमा किल्लत के चार औजान है और ये 3 से 10 की कैटेगरी पे बोले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपने नोट कर लेनी है कि ये असूल जो है ना, ये मैक्सिमम की शर्त के ऊपर बनाए जाते हैं, यानी कुरान मजीद में जहां पे इतलाक ज्यादा इस कायदे का हुआ है तो उन्होंने एक कायदा बना दिया कि 3 से 10 का जमा किल्लत हो गया, लेकिन कुरान मजीद में इसकी एक्सेप्शन भी इस्तेमाल हुई है, यानी बाज़ औक़ात कोई लफ्ज जमा किल्लत का आया है लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो 3 से 10 को ही शो कर रहा होगा, बाज़ औक़ात जमा किल्लत का सीगा 10 से ज्यादा के लिए भी आ जाता है, ये एक्सेप्शन के लिए आपने अपने ज़हन को तैयार रखना है। जमा कसरत क्या होती है, जमा कसरत के मुख्तलिफ औजान होते हैं, 10 वैसे 16 कहते हैं, 16 कहते हैं जो सर्फ वाले होते हैं, कि 16 मशहूर औजान है जमा कसरत के, 10 जो है उसमें से ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, फ़िआलुन फ़ुआला अफ़इला फ़ुउलुन फ़ुउलुन फ़ुआलुन फ़ाला फ़ालतुन फ़िआलुन फ़िलानुन, ये इसके डिफरेंट इसके औजान है, 10 औजान बनते हैं और ये 10 और 11 प्लस से ये सारे के सारे जो है वो जमा कसरत के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। एक्सेप्शन क्या है जी इनकी, जमा किल्लत और जमा कसरत कुरान मजीद में दोनों से एक दूसरे का इतलाक हो सकता है। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में इन्नमा नहनु मुस्तहज़ीऊन, मुस्तहज़ीऊन चूंकि अलिफ लाम के बगैर है, इस्मुल फाइल है, सिफा का सिफा है इस्मुल फाइल की सूरत में, ऊना की साउंड आ रही है, मुजक्कर सालिम है, बज़ाहिर जमा किल्लत का सीगा है, बट इट डज नॉट मीन कि ये 3 से 9 का जिक्र हो रहा है, ठीक हो गया, तो ये ज्यादा का जिक्र है। इसी तरीके से अलैकुम अनफुसकुम अनफुस अफउल का वजन है, जमा किल्लत का वजन है, लेकिन डज नॉट मीन कि ये 9 तक है, ये तमाम को एनकम्पस करता है। इसी तरीके से सलासता कुरू इन फुउल का वजन है, फुउल का वजन जो है जमा कसरत का वजन है, लेकिन इससे मुराद 3 है, सलासता कुरू इन 3 जो 3 महीने होते हैं, 3 हैज है, ये इसे मुराद 3 या ऑल दो के ये जमा कसरत लाया गया है।
ओके, इसमें जमा हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, इसमें जमा पे बल्कि हमने काफी ज्यादा बात की थी कि वो इसम जो होता वाहिद है, यानी बजाहिर उसके अंदर जमा की कोई निशानी नहीं होती, लेकिन वो हमारा इस्तेमाल होता है जमा के लिए, और उसकी हमने एग्जांपल्स देखी थी, कॉमन जमातुन, ठीक है, ये बहुत ज्यादा लोगों को एनकम्पस कर रहे होते हैं, इंग्लिश में प्रोबेबली इसको कलेक्टिव नाउन भी कहा जाता है, इसके अंदर जिंस भी शामिल हो सकती है, बहुत सारी अशिया भी शामिल हो सकती है। अब ये दो सूरतों में हो सकता है, ये लफ्जी हो सकता है और मानवी हो सकता है, अब दोनों में से कोई एक भी हो सकती है, दोनों भी हो सकते हैं, मुफ्रद का सीगा ना, मिसाल के तौर पर लफ्जी और मानवी दोनों लिहाज से मुफ्रद का सीगा ना होता हो, यानी वाहिद सीगा ना होता हो, और दोनों में से किसी एक लिहाज से मुफ्रद का सीगा हो लेकिन वो जमा मुकसर के किसी वजन पे बिना, जैसे एबिलुन, एबिलुन क्या है, एबिलुन बेसिकली ऊंट, ऊंट ऊंटों को कहते हैं, कुरान जी में इस्तेमाल में अफला यंजुरूना इलल इबली कैफा खुलिकत, अब ये इसका कोई मुफ्रद कोई नहीं है लफ्जों के एतबार से, ऊंट को तो जमालुन कहते हैं, ठीक है, लेकिन मानवी एतबार से ये इसका मुफ्रद है और ये आप इसको इस्मुल जमा के सीगे में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग जमा की नहीं, इसको एबिली को जमा क्यों कहते हैं, जमा कहने क्यों जरूरत पेश? ओके, अरब कहते हैं, अभी वो अरब ने अपनी जुबान के जो कवायद बनाए हुए ना उस पे, हम उनको ये नहीं कह सकते वो उसके पीछे हिकमत क्या होती है कहने की। देखिए कुछ उन्होंने अल्फाज हैं, कुछ अल्फाज हैं जैसे कौम जो है ये तो समझ में आते हैं, जैसे हम नेशन इंग्लिश में नेशन बोलते हैं, उर्दू में हम कौम बोलते हैं, क्या इसको आपको समझ में आती है कि इससे मुराद, नेशन से मुराद ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो कि एक ही मजहब से हैं या एक ही जमीन के साथ मुंसलिक लोग हैं, जिनकी ट्रेडिशंस एक जैसी हैं, जिनकी हिस्ट्री एक जैसी है, वो एक कौम बन जाते हैं। एबिल को बजाहिर ऐसा लगता है कि चूंकि वो जानवरों की एक किस्म है जो कि एक ही मेक एंड टाइप से ताल्लुक रखती है, तो मे बी दैट्स व्हाई दे कॉल इट जमा, लेकिन इसकी कोई लॉजिक कोई ऐसी नहीं है कि वो जिसको आप कह सकें कि नहीं ये इस वजह से ये इसमें जमा कहलाता है। यानी एबिल से मुराद जैसे अगर हम उर्दू में या इंग्लिश में लें तो कैमल, यानी यानी जब उसको हम कहते हैं ना लायन इज अ ब्रेव, जिंस के जब आप उसको जिंस के लिहाज से कह देते हैं कि यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर कैमल, ठीक है, आप एक जिंस की बात कर रहे हैं, और जिंस में तो फिर बहुत ज्यादा वो शामिल हो जाते हैं, यानी जब आप कैमल कहते हैं तो यू मे बी टॉकिंग अबाउट वन कैमल, ठीक है, लेकिन जब आप द कैमल कह देते हैं, द कैमल दे ग्रेज या दे वॉक इन द डेजर्ट, तो वो आप उसमें पूरी कैमल की जो है वो जिंस शामिल हो जाती है, तो वो उसको यू कैन यूज इट एज अ कलेक्टिव नाउन। हम उर्दू में भी जैसे कहते हैं ऊंट एक इस तरह का जानवर है, उससे मुराद यही होता है कि तमाम ऊंट जो हैं वो इस तरह के हैं। ओके, बिल्कुल। अभी देखिए जैसे कुरान मजीद में आता है सूरतुल गाशिये में अफला यंजुरूना इलल इबली कैफा खुलिकत, अभी खुलिकत का जो सीगा है ये सीगा वाहिद मुअन्नस गाइब का सीगा है, अब इट डज नॉट मीन कि अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर ऊंट को देखिए, इलल इबली, ऑल्दो इबल जो है वो अलिफ लाम से शुरू हो रहा है, बट इट डज नॉट मीन कि किसी एक पर्टिकुलर ऊंट को देख के हमने फैसला करना है कि ये कैसे क्रिएट किया गया, कैफ खलीकत कैसे क्रिएट किया गया, ठीक है, तो वो बेसिकली तमाम, यानी आपने ऊंट को एज अ जिंस देखना है कि वो कैसे क्रिएट किया गया। ओके, एक और जमा में आती है एक कैटेगरी, एक टर्मिनोलॉजी आती है, इस टर्मिनोलॉजी को अपने नोट कर लेना है, इसको इंशाल्लाह ताला जब हम एराब का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें जाके हम तफसील से देखेंगे, फिलहाल सिर्फ इसको हम गो थ्रू कर लेते हैं। मुंतहिल जमू, मुंतहिल जमू, ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी मुश्किल है, मुंतहिल कहते हैं मना करने को, अल जमू कहते हैं जमा, यानी वो जमा जिसके बाद मजीद कोई जमा नहीं बन सकती, यहाँ पे आके बस हो जाती है जमा की, हमने जमा किल्लत पढ़ ली, जमा कसरत पढ़ ली, एक दफा होती है कि जमा मुकसर किया, मजीद कोई जमा नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। इसकी आसानी के लिए दो निशानियां बताई जाती हैं कि अगर हमारे पास एक्स्ट्रा अलिफ आ जाता है किसी भी लफ्ज के अंदर, किसी जमा मुकसर के अंदर एक्स्ट्रा अलिफ आ जाता है, मसाजिद, तो वो आपका एक्स्ट्रा अलिफ जो है वो आपका शो कर रहा होता है कि ये आपका मुंतहिल जमू है, जमा मुकसर तो है ही है
मफाइल के वजन के ऊपर है, ये मुंतहिल जमू का वजन है। ये मुंतहिल जमू क्या होता है, क्यों होता है, इसका फायदा क्या होता है, ये इंशाल्लाह ताला कल प्रोबेबली कल या परसों हम इराब का टॉपिक जब कवर करेंगे तो उसमें हम इसको तफसील के साथ देखेंगे। मुंतहिल जमू वहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास एक सबक है। ओके जी, बाज़ औक़ात होता ये है कि जमा जो है वह वाइद के गैर लफ्ज़ से आती है, इसको टर्मिनोलॉजी की जुबान में कहते हैं जमा मिन गैरी लफ्ज़ ही या गैरहू लफ्ज़, गैरहू लफ्ज़ या गैरी लफ्ज़ ही, यानी असल में लफ्ज़ कुछ और था, जो मुफ़रद वर्ड था सिंगल वर्ड था वो कुछ और था, उसकी जमा बिल्कुल खिलाफ़े क़ियास आती है। जैसे इमरातुन, इमरातुन का जमा मुकस्सिर हो या जमा मुज़क्कर जमा मुअन्नस सालिम हो तो वो उसको किसी न किसी शक्ल में इमरातुन की किसी न किसी शक्ल में होना चाहिए, लेकिन खिलाफे क्यास इसकी जमा निसाउन आती है। इसी तरह जू जा जी, हमने कुरान तर्जमा कोर्स के अंदर पढ़ा था, वाले जिसका तर्जमा किया जाता है, इसके खिलाफे क्यास जमा जो है उलू आती है, उलू उली आती है, उलू रफा के लिए आती है, उली जो हमारी नसब और जर के लिए आती है। और कुछ और अल्फाज भी हैं जिनकी जमा जमा खिलाफ क्यास आती है, उम्मू की उम्महात, फमुन की अफवाह, माँ उनकी मियाँ, इंसान की उनास, शात उनकी शयाद, ये भी खिलाफ क्यास जमा आती है। ओके जी, अभी कमिंग बैक टू दी तस्निया और जमा, हमने कहा था कि तस्निया आने ऐने की साउंड होती है, लेकिन तस्निया की मजीद तीन कैटेगरीज हो जाती हैं। एक को हम कहते हैं, अरब कहते थे कि ये हकीकी तस्निया है। अब वो तस्निया जिसके अंदर आने या ऐने की साउंड आएगी वो हकीकी तस्निया कहलाएगा, ठीक है। रजुल आने, रजुल ऐने, किताब आने, किताब ऐने, जन्नात आने, जन्नात ऐने, ये हकीकी तस्निया कहलाएगा। एक को कहते हैं ये सुअरी तस्निया है। सुअरी तस्निया क्या होता है, बेसिकली कुछ अरबी जुबान में जो नंबर्स होते हैं, जैसे हमारी गिनती होती है, काउंटिंग होती है, अरबी जुबान के अंदर काउंटिंग होती है, तो वो काउंटिंग को वो कहते हैं, असल में काउंटिंग इस शक्ल में नहीं थी, जैसे हम कहते हैं ना उर्दू में बाज़ वक़्त हम कहते हैं दो दो, तीन तीन, चार चार, तो अरबी जुबान में कहते हैं ये इस तरीके से जब भी कोई लफ्ज बोला जाएगा तो वो सोअर कहलाएगा, इस नाने व इस नाताने। कुरान मजीद के अंदर इसका इस्तेमाल प्रॉबेबली एक या दो बार एग्जाम्पल्स में हुआ, इससे ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। और एक ये लफ्ज इंपॉर्टेंट है, मानवी तस्निया, ये इसको नोट कर लीजिए। ऑल द कुरान मजीद के अंदर इसका इस्तेमाल कम है, लेकिन ये इसका तर्जमा आपको आना चाहिए किला और किलता। किला का मतलब दो होता है, किलता का भी मतलब दो या दोनों होता है, किला और किलता। किलता मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, किला जो है मुज़क्कर के लिए सुनाता है। किला हुमा फिन नार, आपने कुरान मजीद में तर्जमा पढ़ा होगा, आयत का टुकड़ा पढ़ा होगा, किला हुमा फिन नार, किला मुज़क्कर के लिए और किलता मुअन्नस के लिए। तो हकीकी सॉरी और मानवी हो गया ये तस्निया के लिए। जो जमा का होता है, जमा में लफ्जी और तकदीरी, तकदीरी का मतलब होता है कि असल में असल जो है वह जमा की वो ये थी, लेकिन वो आपको वो लफ्जों के अंदर वो जमा की वजह जो है वो एविडेंट नहीं हो रही, तो उसको हम तकदीरी कह देते हैं। और अगेन हकीकी और सॉरी और मानवी, अगर हम देखें तो हकीकी ऊना ईना की साउंड जितनी भी होती है हकीकी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। सॉरी जो है काउंटिंग वाले जो नंबर होते हैं, इशरूना, सलासूना, अरबाऊना, खमसूना, सितूना, सबऊना, तिसऊना, और फिर उनकी नसब और जर जो है खमसीना, सितीना, सब ईना, तेसईना, ये तमाम वो सवारी जमा मुज़क्कर सालिम कहलाती है। और मानवी लिहाज से हम पढ़ चुके हैं उलू, ये मानवी लिहाज से है जो कि खिलाफे क्यास, जू की जमा खिलाफे क्यास आती है। जमा किल्लत के चार औज़ान अफ़ल, अब ये पूरा एक चार्ट की सूरत में जो अभी आपने जमा के मुताबिक पढ़े, एक चार्ट की सूरत में